जनता कर्फ्यू का एक साल पूरा, एक साल बाद देश को फिर डरा रहा कोरोना। कोरोना की रफ्तार फिर हो रही तेज, फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा देश। देश के कुछ हिस्सों में शुरू हो चुका है लॉकडाउन का सिलसिला। साल 2020 और मार्च का महीना, ये वो महीना था जब देश में कोरोना ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च 2020 को देश को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने पहली बार जनता कर्फ्यू का जिक्र किया था और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने का आह्वान किया था। उन्होंने जनता से जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में सहयोग देने की अपील भी की थी। जनता कर्फ्यू को एक साल पूरे, पीएम मोदी की अपील पर 22 मार्च को देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया। देश भर के लोगों ने इसे अपना भरपूर समर्थन दिया था। मोदी की अपील पर जनता ने देश के कोने कोने से ताली और थाली बजाकर देश की सेवा में लगे लोगों का आभार भी व्यक्त किया था। 24 मार्च को लगा था लॉकडाउन। जनता कर्फ्यू के 48 घंटे के भीतर 24 मार्च को पीएम मोदी ने देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था। इस वजह से लोगों को कई परेशानियां भी हुई, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह जरूरी भी था। क्यों लगाना पड़ा लॉकडाउन? दरअसल चीन के वुहान से फैली कोरोना महामारी ने देश में पहली बार 27 जनवरी को दस्तक दी थी, जब केरल के एक शख्स में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई और 12 मार्च को बेंगलुरु में कोरोना के कारण पहली मौत हुई। कुछ ही दिनों के भीतर कोरोना ने तकरीबन देश के सभी राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। इसे देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया था। फिर से बन रहे लॉकडाउन के हालात, देश में सख्त लॉकडाउन के कारण कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ और दुनिया के बाकी देशों की तुलना में भारत में रिकवरी रेट और डेथ रेट का अनुपात सबसे बेहतर रहा। इस वजह से धीरे धीरे देश अनलॉक हो गया। अब देश में फिर से वही हालात बन रहे हैं। दोबारा केस बढ़ने के कारण देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामले, देश में अब तक 1.15 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1.11 करोड़ ठीक हो चुके हैं। 1.59 लाख लोगों ने इस बीमारी से अभी तक जान गंवाई है। तसल्ली की बात यह है कि भारत कोरोना संक्रमित देशों की सूची में अब तीसरे स्थान पर है, लेकिन चिंता की बात भी है। शनिवार को दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा। यहाँ ब्राजील और अमेरिका के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए। शनिवार को देश में कोरोना के 43,815 मामले सामने आए। यह आंकड़ा बीते 115 दिनों में सबसे ज्यादा रहा। इससे पहले पिछले साल 26 नवंबर को 43,174 मामले सामने आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सिटी में, चंडीगढ़।